Dear viewers, assalamu alaikum. Today we are start our lecture number 3rd. हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेट के सेट की कितनी फॉर्म होती है। पहली फॉर्म हमने बात की थी, अगर कोई भी सेट स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया हुआ होता है तो उसे हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अगर उसी स्टेटमेंट की फॉर्म को अगर हम एलिमेंट्स की सूरत में लिख दें सेट के अंदर तो वो कहलाती है टेबुलर फॉर्म। अगर किसी भी सेट को हम मैथमेटिकल सिंबल के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो आज का हमारा लेक्चर है टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट सेट के एग्जाम, तो उसमें पहली जो एग्जाम है, पहली जो टाइप है वो है फाइनाइट सेट। कौन सा है? फाइनाइट। फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। अगर किसी भी सेट के अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो वो कहलाएगा फाइनाइट सेट। लिमिटेड नंबर्स क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट। इसकी एग्जाम्पल होगी, कोई सेट लिया अपन ने 1, 2, 3। अब देखें इस सेट के अंदर 10 एलिमेंट्स है और ये एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो हम काउंट कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं फाइनाइट सेट, ठीक। उसके बाद है टाइप 2, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसके अंदर अनलिमिटेड नंबर्स हो। अगर किसी भी सेट के अंदर अनलिमिटेड नंबर, यानी कि ऐसे सेट जिसके अंदर आप एलिमेंट्स को काउंट ना कर सकते हो, तो वो क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट की एग्जांपल, वन टू थ्री, देखें ये सेट दिया हुआ है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? 1, 2, 3। आगे जाके आपको मालूम नहीं हो रहा कि एंड से कहाँ पे हो रहा है। जब आपको एंड का पता ना हो उसका मतलब क्या है? ये लामहदूद है, आप इसे काउंट नहीं कर सकते। अच्छा, इन डॉट को कहते हैं इलिप्सिस। जो थ्री डॉट्स बने हुए होते हैं ना, 1, 2, इसे बोलते हैं इलिप्सिस। इलिप्सिस, ठीक है, डॉट का नाम क्या है? इलिप्सिस। उसके बाद है हमारी टाइप 3। इक्वल सेट, इक्वल सेट्स, दो सेट आपस में इक्वल जब होंगे जब उनके अंदर एलिमेंट्स भी सेम हो और एलिमेंट्स की जो आइडेंटिटी है वो भी सेम हो, यानी काउंटिंग के अंदर भी सेम हो और दिखने में भी सेम हो। देखें जरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के जरिए आपको और क्लियर हो जाएगा। एक सेट लिया मैंने ए बी सी, ठीक है, दूसरा सेट लिया मैंने बी सी ए। क्या ये दोनों सेट आपस में इक्वल है? हाँ बिल्कुल इक्वल है। क्यों? क्योंकि सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता है। यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, लेकिन इसमें क्या है? अरेंजमेंट डिफरेंट है। सेट के अंदर अरेंजमेंट का कोई भी मैटर नहीं है, आप अरेंजमेंट कैसे भी कर सकते हैं। तो आप क्या बोलेंगे? ए जो है इक्वल है बी के। तो आपने क्या देखा? इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और आइडेंटिकल भी हैं। आइडेंटिकल भी हो और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो तो क्या कहलाएगा? इक्वल सेट कहलाएगा, ठीक। उसके बाद हमारा इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट के अंदर आपने ये बात नोट करनी है कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे लेकिन आइडेंटिकल नहीं होंगे, आइडेंटिकल नहीं होंगे लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे। एग्जांपल देखते ज़रा, कोई भी सेट लिया आपने ए बी सी, ठीक, सेट नंबर 2 लिया हमने सी, उसमें डाल दिया हमने 1, 2, 3। अब देखिए ज़रा इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, नंबर जो है वो सेम होंगे लेकिन आइडेंटिकल नहीं होंगे। देखिए जरा, यहाँ वन है, यहाँ पे ए, इसका मतलब कि ये आइडेंटिकल नहीं है लेकिन नंबर में सेम है। इसके पास भी थ्री एलिमेंट्स हैं, इसके पास भी थ्री एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स नंबर में सेम हो लेकिन आइडेंटिकल ना हो तो वो क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। ए जो है बी सेट इक्विवेलेंट है सी का, ठीक है, ये आपस में क्या है, इक्विवेलेंट। और ये सिंबल किसकी है, इक्विवेलेंट की सिंबल है। इक्विवेलेंट की सिंबल हम एक और भी यूज़ करते हैं इक्विवेलेंट के लिए, ये एरो, इसे कहते हैं रिवर्स, ठीक है। ये एरो भी हम किसके लिए यूज़ करते हैं, इक्विवेलेंट के लिए ही यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने जो है चार डिस्कस कर लिए। अब जो है टाइप फाइव है, जिसे हम बोलते हैं यूनिट और सिंगल सेट। सिंगल का मतलब होता है एक एलिमेंट, यानी सिंगल वन, ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद हो उसे हम बोलेंगे सिंगल टन सेट या यूनिट सेट। इसकी एग्जांपल देखें ज़रा, ए इज इक्वल टू 10, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट है, तो ये कौन सा सेट कहलाएगा, ये कहलाएगा सिंगल टन। इसी तरीके से अगर मैं यूँ लिख दूँ, ये भी सिंगल टन है। इस तरीके से काफ़ी सारी एग्जांपल इसमें आ जाएंगी, ये भी सिंगल टन सेट ही है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एलिमेंट्स एक ही है, ठीक। उसके बाद है हमारा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट भी बोलते हैं इसे, या आप इसे बोल लो नल सेट, या आप बोल लो इसे वॉइड सेट, वॉइड सेट। इसे कहते हैं खाली सेट। खाली सेट के तीन नाम है, या तो आप बोल दो एम्प्टी सेट, या नल सेट, या वॉइड सेट, बात एक ही है। एक एग्जांपल देखें, एक सेट लिया, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स मौजूद ना हो उससे हम क्या बोलेंगे, नल सेट बोलेंगे। ये सेट लिया, इसमें कोई एलिमेंट्स है नहीं है, नल का मतलब ही क्या होता है, खाली। अगर किसी सेट के अंदर कोई एलिमेंट्स मौजूद ही नहीं हुआ तो क्या कहलाएगा, वो नल सेट कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा, या वॉइड सेट कहलाएगा। अच्छा, एम्प्टी सेट को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, या तो हम डिनोट करते हैं इससे, इसे कहते हैं हम फाय, क्या कहते हैं इसे, फाय, ठीक है। ये सिंबल जो है ना, ये भी नल सेट की ही एग्जाम्पल है, फाय से रिप्रेजेंट करते हैं नल को। अच्छा, अगर कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, अगर कोई भी स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है सेट की फॉर्म के अंदर वो रोंग है, तो रोंग स्टेटमेंट इज आल्सो कॉल्ड नल सेट। रोंग स्टेटमेंट रोंग स्टेटमेंट इज आल्सो कॉल्ड नल सेट। अगर कोई भी स्टेटमेंट जो रोंग हो उसे हम क्या बोलेंगे, नल सेट बोलेंगे, ठीक। उसके बाद है हमारा टाइप सेवन है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग सेट ऐसे सेट होते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। ओवरलैपिंग सेट ऐसे सेट होते हैं जो किसी भी सेट के अंदर अगर एक भी एलिमेंट रिपीट होगा, जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4। अब देखें ज़रा, ओवरलैप का मतलब है किसी एलिमेंट का दूसरे सेट के अंदर मौजूद होना, किसी एलिमेंट का दूसरे सेट में मौजूद होना। यहाँ पे देखें ज़रा, 4 इस सेट में भी है तो 4 इसमें भी है, इसका मतलब क्या है, बी जो है ओवरलैप कर रहा है, ए जो है ओवरलैप कर रहा है बी के ऊपर, ठीक है, इसे हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। यानी किसी भी सेट का एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हो, चाहे वो एक हो या एक से ज़्यादा हो,
जहाँ 4 है 3 भी लिख सकते हो, आपस में ओवरलैप कर रहा है। ठीक, ये एग्जांपल हो गई क्लियर आपकी। उसके बाद है डिसजॉइंट सेट टाइप नंबर 8, कौन सी है डिसजॉइंट, ऐसे सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स डिफरेंट हो, एलिमेंट्स क्या हो डिफरेंट हो, डिसजॉइंट का मतलब होता है डिफरेंट। अगर दो सेट दिए हुए हैं, अगर वो दोनों सेट के अंदर एलिमेंट जो है वो डिफरेंट है यानी मुख्तलिफ है, ना ए के एलिमेंट्स बी से मिलते हैं ना बी के एलिमेंट्स ए से मिलते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे डिसजॉइंट, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, ये आपस में डिसजॉइंट है। ठीक, तो ए जो है क्या है डिसजॉइंट है बी का। ठीक, उसके बाद लास्ट हमारा है यूनिवर्सल सेट, लास्ट है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है लार्जेस्ट सेट होता है, लार्जेस्ट सेट क्या कहलाएगा यूनिवर्सल सेट, इसको डिनोट किससे करते हैं, डिनोट करते हैं हम इसको यू से। ठीक है, यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है, इसको डिनोट करते हैं हम यू से। जितने भी छोटे एलिमेंट्स बनेंगे वो किससे बनते हैं, वो बनते हैं यूनिवर्सल सेट से। एग्जांपल अगर लें, एक स्कूल है, स्कूल के अंदर क्लासेस भी हैं, स्टाफ रूम भी है, अकाउंटेंट का रूम भी है, लैब कंप्यूटर लैब भी है, साइंस लैब भी है, तो स्कूल क्या है एक यूनिवर्सल है और ये क्लास रूम क्या है ये इसके छोटे छोटे हिस्से हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल से ही छोटे सेट बनते हैं। ठीक, सो डियर स्टूडेंट व्यूवर्स, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, ये सारे की सारी टाइप्स हमने जो है नो पढ़ लिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जो है वेन डायग्राम के बारे में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।